जी ऐसे में जॉनी भाई का क्या विशेष खास इनको ये होगा, क्या कहना चाहिए जी? भाई ये कैसी थी वो बातें, वो तेरी बातें, वो तेरी बातें। अभी भाई साहब मेरे को तो इनकी बातें, ये जो इनकी बात ही समझ में, मतलब ये नई बात थी मेरे लिए कि ये गाते भी हैं और अच्छी आवाज़ है इनकी। पहले तो ये हमारी तरह स्टैंड अप वगैरह करते थे, अब ये गाते भी हैं और इतना ज़बरदस्त गाते हैं और म्यूजिकल बेहतरीन म्यूजिकल हैं और म्यूज़िक का बड़ा इनका वो, ये संगीत विद्यालय भी है जहाँ बच्चे सीखने आते हैं, तो ये सब मेरे को पता ही नहीं था। तो मैं खुद हैरान था भाई, ऐसी बातें कहाँ से आ गई, इतनी अच्छी अच्छी बातें। तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाले ने जो टैलेंट दिया है और वो गाता है तो वो डिज़र्व करता है कि एल्बम निकाले। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने मेहनत से सब बनाया है। बस मेरी तरफ से मैं तो उनको मुबारकबाद देने आया हूँ। मेरा छोटा भाई है बजरंग बादशाह, तो उनकी जो ऊपर वाले ने जो हट के टैलेंट दी हुई है, लोग इस टैलेंट को जानें और इनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे और ये क्या कहने चाहते हैं, क्या बातें, कैसी थी वो बातें, लोग समझे। बस ये आपने सुना गाना कैसा लगा आपको, कर्ण प्रिया लगा कैसा लगा, अगर गाने का ये करें तो क्या आपने अपने अपने तरीके से कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसा लगा आपको गाना? नहीं मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक अलग ढंग है, अलग अंदाज है, उनका अपना एक स्टाइल है, अपने हिसाब से अपने स्टाइल से गाया उन्होंने और जो भी बनाया उन्होंने, खुद का पोज किया, खुद की अपनी मेहनत है। जी संजय जी आप क्या कहना चाहेंगे, और वो कैसी थी वो तेरी बातें, कैसी थी वो तेरी बातें, क्यों आपने बनाना तय किया और क्या ऐसी कुछ खास बातें हैं, कैसी थी वो तेरी बातें, क्या खास थी? सर लोगों को पूछने का यही एक मौका था, कैसी थी वो बातें, मतलब लोगों को, मतलब वो गाने में सब दिखाया हमने, कैसी वो थी बातें। आजकल के अलावा मतलब स्कूल में जाते हैं, लव मैरिज होता है, लव प्यार होता है और कैसे करते हैं और प्यार कैसा टूटता है, उस बहाने से हमने उसको मतलब वो गाने में हम दिखाया है। तो कैसी हो थी वो बातें, तेरी बातें, तेरी बातें। तो संजय जी होटल इंडस्ट्री से और म्यूजिक इंडस्ट्री का सफर कैसा रहा और कैसे? सर मेरे जॉनी लियोन साहब सर के हमारे भगवान देवता मिले, हमारे ऑफिस में पहली बार आए तो मैंने मैं दिल में थाम लिया, उनके लिए एक होटल बना देते सर। नहीं मैं दिल में थाम लिया और सही में उनका पैर ऑफिस में लग गया, तब से मेरा मतलब ऑफिस ऐसा मतलब खिल गया और मैं भी खुद खिल गया। उस बारे में मैंने सोचा अभी कि जब बजरंग बादशाह मेरे सब मेरे साथ में आए तो मैं ये लड़के को टैलेंट है तो मैं उसको उठाऊ क्यों नहीं, क्योंकि दूसरे जब अमीर को तो कोई भी सहारा देता है, क्या बात, मतलब गरीब को सहारा देने के लिए लोग दगमगते हैं। कैसा फील हो रहा है जॉनी भाई मुंबई से कल्याण तक आए, कैसा फील कर रहे हैं? मैं तो दोनों के प्यार की वजह से आया हूँ, एक तो बजरंगी बादशाह जो है वो तो हमारे छोटे भाई है, उनकी ये जिस तरह इनको सपोर्ट किए, जिस तरह ये सपोर्ट करते हैं, हालांकि इनको आर्ट से बहुत मोहब्बत है, कला से, कलाकारों से, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कि कलाकार को इन्होंने जाना कि भाई इसमें कुछ है बात, इसको साथ देना चाहिए, तो मैं ये बहुत बड़ी बात है एक कलाकार को, मेरे लिए वो बड़ी बात है। ऐसे लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ ऐसे लोग और पैदा करें, ऐसे लोगों को हमारे देश में, तो कलाकारों को बाहर निकालें, समझे कि नहीं, इस मोहल्ले के और पुराने दोस्त भी हैं, तो कल को बजरंगी बादशाह पॉपुलर हो जाते हैं तो इस मोहल्ले का नाम रोशन हो गया है कि नहीं? अभी जी आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बात है, बोल ना, बोल ना। शुभकामनाएं इस रजिस्टर, बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, बगैर आपके इजाजत के ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, वरना बनाया होगा इन्होंने ये, क्या कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं होगा इस एल्बम को? जी इनके बेटे ने भी गाया ना, शुभम ने भी गाया ना, हाँ इनके बेटे ने भी गाया भाई, कितनी खुशी हो रही है बेटे की तरक्की में, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बेटे की तरक्की पे बहुत खुशी हो रही है, उसने मतलब जो भी किया है वो अच्छा ही किया है। लेकिन अब भाभी मुझे बताइए, ये गाने का जो टैलेंट है आपके बेटे में कैसे आ गया?
सिंगिंग टैलेंट। आपके फैमिली में कोई गाता था? नहीं, आप गाती हैं? हमारे फैमिली में कोई गाता नहीं है, वो मतलब उसको ये देखो वाली की संजय जी गाते हैं क्या बात हुई? हाँ। नहीं गाते हाँ पर कभी गलती से कभी बाथरूम का कड़ी लगता नहीं तो गाया होगा ऐसा कुछ? नहीं हमारे परिवार में वैसा कोई नहीं गाने वाला। मतलब चलिए शुभम की तरफ चलते हैं। शुभम क्या कह रहे हैं? शुभम कितनी खुशी हो रही है आपको? म्यूजिक आपने पहले अभी तो खेलने खाने का दिन है ऐसे में आपने म्यूजिक दिया है, कितनी खुशी हो रही है? और खास करके जानी भाई आपका म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने आए हो, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि मतलब बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मैंने बहुत ही यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और जो आपने बताया था तारा रथ जो इमोशनल सीन था उसमें मैं सच्ची में रोया था। मतलब वो जो एक कन्वर्शन रहता जो कॉमेडी सीन का इनटू इमोशनल सीन, वो जो आपने पूरे पब्लिक को हंसते हुए पब्लिक को एक साइलेंट पब्लिक बनाया था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और रही बात कहने की, जो गाना गाया था मैंने, मुझे बहुत ही पसंद था गाना गाना और बहुत ही सालों से मैं गाता है, बट मैंने कहीं ऐसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं किया है, बट आई नो द बेसिक्स और वही उससे की सहारे मैं गाता रहता हूँ। और रही बात हुई कि मेरी पहली मुलाकात हुई थी बजरंग बादशाह जी से, तो तभी से उनको पता चला कि मतलब टैलेंट है और वो स्टूडियो टैलेंट है और वो जो आवाज़ है वो है, तो आई कैन डू इट वेल इन दैट। थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए था, 10-5 ग्राम और बढ़ा देना चाहिए, ऐसा लगता है? नहीं वो तो 50 तोले का तो 60 तोला भी कर लें, लेकिन जिसके घर में तोला ही नहीं है उसका क्या? वैसे भी भारतीय नारी बिना तोले की अच्छी लगती है। हाँ हाँ क्या बात करें, मैं चाहता था पहला शॉर्टकट में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।